हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ एक रेयर थिंग के बारे में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी दुनिया में अभी भी ऐसी कई चीजें हैं जिनके बारे में हम आज तक नहीं जान पाए। आज हम आपके लिए एक ऐसी ही खबर लाए हैं जिसके बारे में आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। अभी तक के जीवन में आपने सेब तो खाया ही होगा। मार्केट में कितने वैरायटी के सेब आते हैं। दुनिया के 20 से ज्यादा देशों में अब तक 200 से ज्यादा किस्म के सेब उगाए जा चुके हैं। गहरे नीले रंग का यह फल सेब का सबसे रेयर प्रकार है। इसे ब्लैक डायमंड एप्पल के नाम से भी जाना जाता है। इस सेब की खेती तिब्बत की पहाड़ियों पर समुद्र तट से 3100 मीटर की ऊंचाई पर की जाती है। बता दें कि जितनी ऊंचाई पर इसे उगाया जाता है, वहां का तापमान दिन और रात में अलग अलग होता है। दिन में ढेर सारी रोशनी के साथ उन्हें अल्ट्रा वायलेट रेज भी मिलती हैं। अल्ट्रा वायलेट रेज की वजह से ही इनका रंग गहरा बैंगनी हो जाता है। ब्लैक एप्पल के ताजे फल को देखने पर ऐसा लगता है जैसे उस पर मोम लगाया गया है। इसका टेक्सचर देखने में बेहद आकर्षक होता है। ऐसा नहीं है कि इस किस्म के सेब की खेती बहुत दिनों से हो रही है। ब्लैक एप्पल की खेती साल 2015 से ही शुरू हुई है और ये फल आसानी से मार्केट में भी नहीं मिलते हैं और ज्यादातर फार्मर इन्हें उगाना पसंद भी नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें उगने में 5 से 8 साल लगते हैं, जबकि इनके फल सिर्फ 2 महीने तक ही रहते हैं। लेकिन जैसा ब्लैक डायमंड का कलर है, उसका टेस्ट वैसा नहीं है। उसका टेस्ट हनी से भी ज्यादा स्वीट है और इसकी जो क्रिस्पीनेस है वो किसी और एप्पल की हो ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी क्रिस्पीनेस काफी अच्छी है। और ये एप्पल्स काफी ज्यादा एक्सपेंसिव भी होते हैं और इनकी जो कॉस्ट होती है वो होती है $7 से $20 के बीच में। यानी कि अगर हम ब्लैक डायमंड का सिर्फ एक सेब खरीदना चाहें तो इंडियन रुपीज के हिसाब से एक सेब 500 रुपये में आएगा और ये सिर्फ एक ब्लैक डायमंड एप्पल की प्राइस है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।